मैं तो माँ हूँ। मैं यहाँ रसोई में आपकी मदद करने आई थी, खाना बनाने में। मुझे पैसे नहीं चाहिए थे इसके, मुझे तो रोहन ने। हाँ, रोहन ने ही भेजा है यहाँ। और कोई मेरी हेल्प वेल्प करने के लिए नहीं, मेरे पार्टी गेस्ट के लिए, कुकिंग करने के लिए। और कोई फ्री में नहीं, पे कर रही हूँ मैं उसको। नहीं नहीं नहीं, जाए जाओ जाओ जाओ। ये कोई गलतफहमी हो गई आपकी समझने में या कुछ कहने में, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मानती ही नहीं हूँ इस बात को। मेरा रोहन थोड़ी मुझे क्या बोल रही हैं आप। जय माता जी। ऐसे कहाँ जा रही हो, किचन कौन क्लीन करेगा? उसके भी पैसे दे रही हूँ मैं। मैं जा रही हूँ, और ये सब देख लीजिए। तुम ऐसे मेरी पार्टी स्पॉइल करके नहीं जा सकती। देखो, सब गेस्ट देख रहे हैं, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। चुपचाप अपना काम करो और जाओ, नहीं तो पेमेंट नहीं मिलेगा। मैंने ये खाना बनाने का ऑर्डर या पैसा नहीं लिया है, मैं मदद करने आई हूँ आपकी। मुझे तो रोहन ने, हाँ रोहन ने ही भेजा है यहाँ, पर मेरी कोई हेल्प के लिए नहीं, मेरे गेस्ट के लिए, उनके लिए कुकिंग करने के लिए। और फ्री में नहीं, पे कर रही हूँ मैं उसे। The food is very yummy, you know. Oh yeah, actually it is so tempting. Hey, ये try किया क्या? Fried है, लेकिन yum. कम इंसल्ट हुआ क्या आपका? पानी? अब चीनू आप लोगों के साथ रह रहा है तो थोड़ा सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, फैमिली मैटर आफ्टर ऑल। और वैसे भी ये रोहन का रेपुटेशन वेरी बैड, फिर ये लोग ऐसा ना बोले कि काम तो पूरा करता नहीं लेकिन पेमेंट पूरा चाहिए। चलो शिफ्ट हो जाओ, मैं आपका मदद कर। रोहन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूं। मेरे बेटे ने जुबान दी है ना कि खाना बन जाना चाहिए और रसोई घर पूरा साफ होना चाहिए, तो वैसा ही होगा। उसकी बात को मैं खाली नहीं जाने दूंगी और उसका नाम तो कभी बिगड़ने नहीं दूंगी मैं। वैसे रेट के पॉइंट से देखे ना, तुम्हारा बेटा रोहन तुमको बैंगलोर का सबसे एक्सपेंसिव बाई बना दिया। कुछ तो कम ही रह गया होगा ना तुम्हारा परवरिश में। वैसे क्या पार्टी दिया मिसेस हेगड़े, ये पार्टी ना मैं कभी नहीं भूलेगी। सुपर। Thank you.
फ्री हो गई है तो मैं बाहर वेट कर रहा हूं। हाँ, ठीक है। ये पेमेंट उस कुक के बेटे को दे दो, वो बाहर ही खड़ा है। ओके मैम। मोटा बेन, सॉरी हाँ, माफ कर दो मुझको। मुझे कुछ पता ही नहीं था, मतलब वो ये मैं तंबोला वंबोला खेलने लगी आपके दोस्तों के आजू बाजू सबके सामने, वो आप सॉरी। और हाँ, वो रसोई घर चकाचक एकदम साफ कर दिया है मैंने, एक बार आके देख लीजिए। इट्स ओके, मैंने पेमेंट भी कट नहीं किया है। आई कैन अंडरस्टैंड, क्या प्रॉब्लम है? मुझे आपके बेटे ने जय माता जी। तेरे हिस्से के हर गम को मैं तुझसे पहले चखती हूँ, रात को ले लीजिए।
सुनिए, मेरी मां अंदर होगी, उन्हें जरा बाहर भेज दें। ठीक है। रोहन नहीं भेजा है यहाँ, और कोई मेरी हेल्प वेल्प करने के लिए नहीं, मेरे पार्टी गेस्ट के लिए, कुकिंग करने के लिए, और कोई फ्री में नहीं, पे कर रही हूँ मैं उसको। तुम्हारा बेटा रोहन तुमको बैंगलोर का सबसे एक्सपेंसिव बाई बना दिया, कुछ तो कम ही रह गया होगा ना तुम्हारा परवरिश में। What's wrong with you? देख के नहीं चल सकते अम्मा? ओ हेलो आंटी, मर रहा है क्या? वो आपकी माँ तो पहले ही चली गई। ये अपने आप कहां चली गई? सुनिए, यहां से एक लेडी गई थी, येलो कलर की साड़ी पहनी थी, हाथ में एक बैग था, आपने देखा उन्हें? अच्छा, वो खाना बनाने वाली मेड। पैसे कैसे बोल सकते? अब वो जो काम करती है वही हम बोलेंगे ना, अब खाना बनाने वाली को मेड ही कहेंगे ना। चलिए जो भी है, वो दूसरे गेट से पैदल चली गई, थोड़ा परेशान लग रही थी। से कैसे कहां चली गई? क्या यार मोम, हर दिन फोन करके बस एक ही बात करती हो, जैसा कल था वैसा आज हूँ, ओके? और घर आऊंगा जब लीव मिलेगी ना। अब मैं फोन रखता हूँ, बहुत बिजी हूँ, ओके? क्या यार मोम भी ना। कहाँ रहती है तुम्हारी माँ? चंडीगढ़। चंडीगढ़ कितना दूर होगा यहाँ से? कुछ 2400 किलोमीटर। बट वाई? मैं बताती हूँ क्यों। चंडीगढ़ से बैंगलोर आते आते क्या हो जाता है तुम बच्चों को? माँ बाप के सिखाए हुए सारे संस्कार बचपन के भूल जाते हो क्या? क्या बोला अपनी माँ को? बिजी हो, बाद में बात करो। क्या कर रहे हो तुम यहाँ के, तुम इतने बिजी हो, समझाओ मुझे। ये पानी पूरी भेलपूरी खा रहे हो ना अपने दोस्तों के साथ? इतने बिजी हो कि खुद की माँ का फोन बर्दाश्त नहीं होता, एक फोन? ये दोस्त आने वाले हैं तुम्हारी मदद करने जब मुश्किल आएगी, तब कि माँ बाप आएंगे? क्या समझते हो तुम बच्चे अपने आप को, जरा बोलो मुझे। ऐसे टिप टॉप कपड़े पहन लिए, महंगा सा मोबाइल हाथ में घुमा घुमा के, बड़ी सी ऑफिस में काम करके क्या माँ बाप बेकार हो गए? कोई कदर नहीं है माँ बाप की? हमारी भी इज्जत है बेटा, हम कोई सड़क पे ऐसे पड़ा हुआ कूड़ा कचरा नहीं है। हाय, ऑल गुड एट होम? अभी अभी तो छोड़ के गए हो, ऑल गुड। लेकिन यू आर अलोन एट होम राइट? सो क्या क्या कर रही हो? या अलोन बट मैगजीन पढ़ रही हूँ।
डोंट वरी। आज तुम लोग ये जो हो ना, इस मुकाम पर पहुंचो ना तुम लोग, वो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की वजह से है, उनकी मेहनत उनकी दुआओं की वजह से है जो तुम आज जिंदगी में कहां से कहां पहुंचे। भूलना नहीं ये बात। तुम लोगों को ये लगता है ना कि माँ बाप का क्या है, उनका तो काम यही है। हमारी कौन सा ये शब्द है अंग्रेजी का, पर्सनल, पर्सनल जिंदगी में दखल देना, यही है हमारा काम, है ना। एक दिन ये ऊपर वाले ने बुला लिया ना, फिर सब पता चल जाएगा बेटा जी, कौन है माँ बाप और क्यों है, देखना तू। फिर खाते रहना तुम ये चाट और भेलपुरी। ये बहुत हो चुका आंटी, हाँ प्लीज स्टॉप इट नाउ, यार कुछ भी बोले जा रही हैं। Listen, I'll just call you back, okay? Yeah. आप अपने बच्चों का गुस्सा मेरे पे क्यों उतार रही हैं? ये जो ड्रामा है ना आपका, ये मेरे सामने नहीं चलेगा। आप और कहीं जाकर दिखाइए, मुझ पर रहम कीजिए आप। अब यहाँ क्या कर रही हो? चलिए मेरे साथ। Something is wrong with this woman. Please take her away. Listen, you mind your language. माँ है मेरी। चलिए। What is all this? अब अकेली कैसे चली है वहां से? कब से वेट करो मैं आपका? अब चलिए गाड़ी में बैठिए। क्या क्या हुआ? तू बताना क्या हुआ? ऐसा कुछ है जो तू बताना चाहता हो मुझे? नहीं नहीं मां। और हाँ, अब वो चीनू को मत कहना कि आप कुकिंग में हेल्प करने गई थी। उसे मैंने कहा है कि आप मंदिर गए हो तो आप भी यही कह देना। वो एक्चुअली ये सब बातों को लेकर ना बहुत सेंसिटिव है, उसे ये सब अजीब सा लगता है। उसे अजीब लगेगा, मुझे नहीं। मैम, आपको क्यों अजीब लगेगा? आप ही नहीं तो कहा था ना कि आप कुकिंग में हेल्प करोगे। Get it clear, Meenu. I am not coming for that meeting. What यार चीनू? सिर्फ एक बोर्ड मीटिंग के लिए तो बुला रहे हैं अप्पा। वैसे भी जब से बोर्ड मेंबर्स को रोहन के इश्यू के बारे में पता चला है तब से they are questioning the future of our company. And appa is very stressed, Chinu. Chinu, just come and go now. What's the problem? Really, Meenu? That's coming from you? Company का future और उनकी बेटी जिसका present वो खत्म करने वाले थे, was that okay? Meenu, I don't care about him or his company. Chinu, you are so selfish, na? No, I mean, वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, all this Rohan mess. And all you care about is yourself. Chinu, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि board members कुछ भी decision ले सकते हैं. And you don't care about your share, okay, fine. But I do care about my money, my lifestyle. और जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, even you care about your reputation and your lifestyle. So you better be there tomorrow. Meenu. हेलो, क्या क्या हुआ, क्या है? हाय मिस्टर पदुकोन, हाउ आर यू माय फुट भाई, तुमको ऑफिस का जगह दिया, उसके रेंट का मनी किधर है वो बताओ, और वो तुम्हारा पार्टनर क्या नाम है उसका, वो भी हमारा फोन नहीं उठाता है। अरे तुम दोनों मिलकर हमको बेवकूफ बनाता है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर, वो इनफैक्ट मैं अभी बैंक ही गया था, थोड़ा सा इशू चल रहा है तो मैं पैसे विड्रॉ नहीं कर पाया। देखो ये ड्रामा वाली बात तुम अपने पास रखो। आई एम अ बिजनेसमैन, आई नीड मनी, माय मनी। 6 o'clock को रेडी रखना तुम। आई कम ऑफिस। सुन, देख मुझे बात। मां प्लीज बाद में बात करें, थोड़ा काम है। नहीं मुझे अभी बात करें। काम? अब गाड़ी में बैठिए ना, बाद में बात करते हैं।
रोहन को बुलाना, उसे कहना कि मैं आया हूँ। घर पे नहीं है वो, बाद में आइएगा। जी घर पे नहीं है रोहन, आप बाद में आइए। हो गया ना तुम लोगों का नाटक फिर से शुरू। बोला ना वो घर पे नहीं है। What do you mean नाटक? आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। एक मिनट। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज का प्रॉमिस किया था ना, तो ये लीजिए, आज दे रहा हूँ। Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.